With doubtnit, get instant video solutions to all your maths, physics, chemistry and biology doubts. Just click the image of the question, crop the question and get instant video solution. Download doubtnit app today. Hello friends, welcome to doubtnit. The question here is, evaluate the following definite integral. Cosec x ko integrate karna hai pi by 6 se leke pi by 4. ठीक है, ठीक है, lower limit भी हमें पता है. Lower limit हमारी क्या है? Lower limit है pi by 6 और upper limit है pi by 4. उसको देखिए, इवेलुएट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है. ठीक है, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है लॉग विद नेचुरल बेस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये इंटीग्रल है कॉसेक एक्स. ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर इसे प्रूफ भी करना चाहूँ तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं. कॉसेक एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स और डीएक्स, और फिर ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं इसको प्रूफ करूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. मैं यही रेज करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यूज की और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है जी, अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन एक्स dx. या फिर एक और तरीका है मेरे पास, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, ये हम सबको पता है. अगर मैं cos x को यहाँ मैं लिख लेता हूँ, cos x को अगर मैं t मान लूँ, a मान लूँ, जो मर्जी मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sin x. ठीक है, और dx इक्वल टू d, मेरी बात आप समझ लोगे, यानी कि d अपॉन dx आया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर गया, तो sin x dx की जगह आ जाएगा da. तो यहाँ मैं लिख दूंगा da जाएगा डी ए, डी ए अपॉन 1 माइनस डी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है जी, और डी अपॉन दैट्स राइट. अब इसका हमें फार्मूला हम सभी को पता है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो डी ए अपॉन 1 प्लस ए 1 माइनस ए लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए 1 प्लस ए 1 माइनस ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, यहां तक सब सही है. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो. ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, हाँ जी इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा माइनस यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी फॉर दैट, यहाँ माइनस साइन एक्स आना था और ये साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा, ये माइनस डी हो जाएगा. माइनस को आप नीचे ले आओ, माइनस डी ए जो है इसको आप नीचे ले आइए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, सो ये हमारा आ गया माइनस, अगर नीचे आएगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा, तो उससे ऐसे कोई ज़्यादा खास असर नहीं आएगा, तो माइनस को अभी यहीं रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, माइनस बाहर ले लेंगे. उसको लिख सकता हूँ मैं ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए, या 1 प्लस ए यहाँ ले लो, 1 माइनस ए यहाँ ले लो, सिर्फ फर्क ही पड़ेगा. सो एक आइडेंटिटी बनेगी 1 इक्वल टू ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 माइनस ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस ए 1 प्लस ए वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी आ गई, और इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करते हैं. देखिएगा, यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखिए अगर मैं ए की वैल्यू माइनस 1 पुट करूंगा यहाँ, तो स्मॉल ए की वैल्यू माइनस 1, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2, बाकी तो बी वाला तो क्वेश्चन जीरो हो जाएगा. और बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो 1/2 आ जाएगा, ये भी है ना, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई. अब आपने क्या करना है, देखिए ये दोनों वैल्यूज अगर आप ए और बी की जगह पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ ए की जगह और बी की जगह वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि 1/2 और यहाँ बी 1/2. ठीक है, ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी, आर यू गेटिंग दिस. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए और बी आपने पुट कर दिया तो आप इसे इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा माइनस भी था ये थोड़ा ध्यान रखिए, माइनस ऑलरेडी था मेरे पास, ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्रॉपर तो माइनस डी ए अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस डी ए अपॉन 1 प्लस ए 1 माइनस ए. ठीक है, माइनस 1/2 बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस ए
प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए, और साथ में आ गया डी, यानी कि ये आ गया हमारा 1/2 लॉग नेचुरल बेस 1 प्लस ए प्लस लॉग नेचुरल बेस 1 माइनस ए, ये आ गया। माइनस तो बाहर ही रहेगा, माइनस से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। तो अब अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन यही होता है, और 1 अपॉन 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माइनस बाहर जरूर आएगा, अगर माइनस को अंदर भेजेंगे तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा हमारा, माइनस को चलो मैं अंदर भेज देता हूँ, ये जाएगा -1/2 या -log 1/2 को बाहर ही रहने दो, अभी आप 1/2 को बाहर रहने दो और माइनस को अंदर भेजो, -log 1 प्लस ए -log 1 माइनस ए, यह है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -1/2 बाहर ही है, माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे आप 1/2 बाहर है माइनस कॉमन लोगे तो वही फार्मूला बनेगा, log m + log n का, log m/n का फार्मूला बनाना है ना। log m - log n क्या होता है, यहां देखिए फिर मिस्टेक हुई है, log 1 अपॉन 1 माइनस ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का log 1 माइनस ए, और फिर यहां आना था माइनस माइनस प्लस हो जाना था, प्लस का साइन आएगा, यहां आएगा प्लस, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 लॉग विद नेचुरल बेस 1 माइनस ए माइनस लॉग विद नेचुरल बेस 1 प्लस ए, ये आएगा, ठीक है, यानी कि log m - log, log m - log, तो ये आ गया 1/2 log m/n, यानी कि 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, log m/n सीधा सीधा डायरेक्ट लिया, ठीक है। अब एक ही आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यदि एक ही वैल्यू आपने जिसको कंसिडर किया था वो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहां मैं पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा हमारा, देखिए लॉग के अंदर ये मॉड में आ रहा है, लॉग के अंदर तो मॉड में ही आएगा, तो लॉग के ऊपर अगर a-1 भी लिख देंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा लॉग के अंदर, लेकिन अगर मैं इसे a-1 अपॉन a+1 लिखना चाहूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस है। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग नेचुरल बेस, a की जगह पुट कर देंगे cos x - 1 अपॉन cos x + 1 प्लस c, तो ये आंसर आ गया, लेकिन ये इनडेफिनिट इंटीग्रल आया, अभी हमने डेफिनेट निकालना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग विद नेचुरल बेस cos x - 1 अपॉन cos x + 1, ऊपर नीचे रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा cos x + 1 है, तो ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए cos x - 1 से, cos x - 1 अपॉन भी आएगा cos x - 1, ये आएगा 1/2 लॉग विद नेचुरल बेस cos x - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन a² - b², यानी कि cos² x - 1, ये आ गया। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1/2 लॉग विद नेचुरल बेस cos x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, माइनस कॉमन लेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मॉडुलस के अंदर ही है, प्लस c, 1/2 लॉग विद नेचुरल बेस cos x - 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 1 - cos² x क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस सी, अब ये आएगा आपका 2 को आगे ले आओ, 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ गया 2 अपॉन 2 लॉग नेचुरल बेस 1 - cos x लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपॉन साइन एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे लिए इजी है इसको सॉल्व करना, देखिए इसको फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 - cos x भी लिख सकते थे, इसको भी नहीं आएगा, तो ये आ गया लॉग नेचुरल बेस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस लॉग विद नेचुरल बेस cos x अपॉन sin x, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है अगर लॉग 1 अपॉन sin x होता है cosec x माइनस लॉग विद नेचुरल बेस cos upon sin cot x प्लस, ठीक है, यहाँ देखो हमने सॉल्व ही कर दिया इसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, थैंक्स फॉर चूजिंग डाउटनेट For class 6 to 12, ITJ and NEET level. Trusted by more than 5 crore students. Download DoubtNet app today.